बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबी काज़मी। चिरागों को गलत फहमी है, हवा थोड़ी साकत है, थमी नहीं। पाकिस्तान में जब भी दो फरीक आपस में लड़ते हैं तो तीसरे फरीक को सुलह के लिए बुलाया जाता है। ये फरीक आम तौर पर इलाके का बासर शख्स, सियासतदान या मजहबी रहनुमा होता है। इस फरीक तक पहुँच के लिए दोनों फरीक आपस में पार्टीबाजी करते हैं, बीच में बंदे डाले जाते हैं जो कि उस फरीक तक उनका मौकफ पहुँचाएँ ताकि फैसला उनके हक में जाए। इसे मॉडर्न ज़बान में खारजा पॉलिसी कहा जाता है, और जो शख्स ये पैगाम रसानी करता है उसे वज़ीर खारजा। इंतहाई अहम वजारत और वज़ीर खारजा का इंतहाई अहम काम। बदकस्मती देखें कि 5 साल तक पिछले अदवार में पाकिस्तान में वज़ीर खारजा था ही नहीं, जो कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया तक पहुंचाते, उन तमाम ममालिक को अपने साथ जोड़ते, यहाँ पर अपने ज़ाती दौरे होते रहे, और इस वजह से हम दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गए, जिसका आज हमें खुबियाजा भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान की हुकूमत पर बहुत तनकीद होती है, लेकिन एक बात सब लोग तस्लीम करते हैं कि जिस तरह वो तुर्की, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान और इन तमाम ममालिक को साथ लेकर अमेरिका तक पहुँचे और इनको अपनी खारजा पॉलिसी की उन्होंने एक वाज़े डेफिनेशन दी ताकि ये लोग हमारे साथ उस पेज पर आ जाए। आज पाकिस्तान तन्हाइयों में नहीं, इसीलिए 50 साल के बाद सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उस पर भी तनकीद की जाती है कि ये इजलास चीन ने बुलाया। अब चीन बुलाए या जापान बुलाए, लेकिन बात तो वहाँ पर कश्मीर की और पाकिस्तान की ही होगी। ऐसे में अगर आप माजी पर अगर नज़र दौड़ाएं कि माजी में खारजा पॉलिसी और मियाँ साहब के अदवार में क्या क्या नुकसानात हुए, तो 98 से अगर आप उसको शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लद्दाख और कारगिल की वो जंग जो फौज जीत चुकी थी, मियाँ साहब टेबल पर क्लिंटन के सामने हार गए। उसके बाद मियाँ साहब यहाँ पर ही नहीं रुके, उनके सिलसिले 2008 में अजमल कसाब को कमरान खान के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि ये यहीं से थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गुजराल को कश्मीरी जो लोग थे उनकी लिस्टें प्रोवाइड की गई, फिर इंडिया के दौरे हुए, आम भिजवाए गए, साड़ियाँ भिजवाई गई, हलफ बर्दारी की तकरीब में गए, वहाँ पर बिज़नेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हो गई, और उसके अलावा सबसे बढ़कर जब इंडिया के दौरे पर थे तो वहाँ अदाकारा हेमा मालिनी से मिलने की ख्वाहिश करते रहे, बजाय ये कि वो कश्मीरी लीडरों से मिलते। यहाँ तक कि सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, 99 में नेवी के जब जहाज़ पर हमला हुआ, 16 नेवल ऑफिसर शहीद हुए, तो मियाँ साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इस पर एयर चीफ उनसे नाराज़ भी थे। मियाँ साहब इसके अलावा फ़ौज के जहाँ तक थी दो कौमी नज़रिए को बुरी तरह रिजेक्ट करते हुए कायदे आज़म की थ्योरी को ये कहते कि हमारा ज़बान, कल्चर, रहन सहन एक है, हमारे दरमियान एक लकीर डाल दी गई, हम भी उसी रब को पूजते हैं जिसको आप पूजते हैं। डॉन लीक्स सिरल अलमेडा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपना घर साफ करना होगा। आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव के केस में मियां साहब की वीडियो चलाई गई, जहां पर यह बताया गया कि पाकिस्तान किस तरह दुनिया को डैमेज कर रहा था। ये सब सिलसिला जो था खारजा पॉलिसी की एक बुरी तरह नाकामी थी। एक तरफ इमरान खान खारजा पॉलिसी के लिए इन तमाम बड़े मुल्कों के लीडरान के लिए ड्राइवर तक बन गए और ताने भी सुनते रहे, लेकिन खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान को तन्हाइयों से निकालने के लिए ये सब कोशिशें थी। जुल्फी बुखारी आज भी लंदन में एक बहुत बड़े वहाँ पर इज्तिमा को उन्होंने लीड किया, वहाँ पर उनके जो अपने बिजनेसेस थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनमें बेताशा हमारे जो पड़ोसी ममालिक के दोस्त हैं उनके साथ की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो सारी नुकसान में चली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करते रहे। शहरयार अफरीदी जर्मनी में, फवाद चौधरी पेरिस में, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं अपना हद छोड़ कर आए, ये सब कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को तन्हाई से निकाला जाए और उस बड़े फोरम पर इस बड़े मसले के बारे में बात की जाए। यहाँ पर मैं एक गिला पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर जो नौजवान हैं जिनकी बहुत बड़ी फैन बेस और फॉलोशिप है, उनसे भी करना चाहूंगा कि आप इस कश्मीर के मसले पर बात उठाएं। आपकी फैन बेस और फॉलोशिप खत्म नहीं होगी, क्योंकि पढ़े लिखे फैंस जो हैं वो जानते हैं कि हक और सच क्या है। आप लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, प्लीज इस मसले को दबाने के लिए मत खामोश रहें, बोलें और बात करें। आज के प्रोग्राम में हम जनरल हमीद गुल साहब के जो बेटे हैं अब्दुल्ला गुल, उनसे बात करते हैं, जिनकी पेशन गोई थी कि 2020 में क्या होगा। मेरे साथ रहे, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताएं कि आपके वालिद साहब ने एक पेशन गोई की थी कि अफगानिस्तान में जो ही अमरीकी फौज का इनखला होगा तो कश्मीर का मसला दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर हाईलाइट होगा। आप बताएं कि ये पेशन गोई आज दुरुस्त साबित हो रही है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बिल्कुल जनरल साहब की पेशन गोई जो है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सच करके दिखाई है और इसमें तो लगने वाली बात ही कोई नहीं है क्योंकि नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है। लेकिन जनरल साहब ने साथ ये भी फरमाया था कि इससे हमें फायदा उठाना पड़ेगा। देखें, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन और बाकी जो मामलात हैं उनको छोड़ दें और अपनी सिफारतकारी को छोड़ दें, लेकिन हमें सिफारतकारी से अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये मामला जो है पिछले 72 साल से यूनाइटेड नेशन में ही पड़ा था। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है 1965 के बाद उसके अंदर जो है कोई हिलजुल नहीं हुई, बावजूद इसके कि 18 रेजोल्यूशन जो है वो कश्मीर के ऊपर दुनिया की तरफ से मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अगर इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं भारत की जानिब से, तो फिर ये दुनिया को इसी के ऊपर कोई मजबूत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? ऐसे ममालिक जो हिंदुस्तान जैसे जो हैं, जो दुनिया की बात नहीं मानते और जो कमजोर ममालिक होते हैं, तो फिर तो दुनिया उनके ऊपर जो है पाबंदियां लगाती है, इक्तसादी पाबंदियां, दीगर सिफारती पाबंदियां, लेकिन ऐसा कोई रद्द अमल देखने में नहीं आया। तो मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशीन गोईयां थीं वो उस हवाले से थी कि पाकिस्तान उसके अंदर आगे बढ़कर कोई किरदार अदा करे और वो किरदार जो है थोड़ा सा मजबूत किरदार हो, वो सिर्फ सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद से हट के जो है वो कश्मीर को कायदे आजम ने शहरक कहा था और 1000 साल की जंग का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन हमने जो है वो कायद की पॉलिसीज को फरामोश कर दिया और हम अच्छा अब्दुल्ला भाई, अभी सलामती काउंसिल का इजलास भी हुआ जो कि 50 साल के बाद है। इसके अलावा खान साहब ने बहुत से ममालिक से गुफ्तगु शनीद की और बहुत सी पाकिस्तानी तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि दुनिया को ये बावर किया जाए कि जो सर्द खाने में पड़ा हुआ मसला दोबारा जाग चुका है। इन सब कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये इकदामात अच्छी बात है, खुश आइंद है, लेकिन देखने वाली ये बात है कि इससे पहले भी ये जो कोई मामला था यूनाइटेड नेशन के अलावा कोई पिंडी के किसी बाजार में तो नहीं पड़ा हुआ था ना। इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशन नहीं था और यही सिफारतकारियां जारी थीं, यही बातचीत चल रही थी कि कश्मीर को ऐसे आजाद होगा, 5 फरवरी भी बनाया जाता था, यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जाता है, कश्मीर पर बात भी होती है, कश्मीर कमेटी भी बनी है, ये तो सब पहले भी था। इसलिए अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। पहली बात यह कि भारत सरकार ने जो है आर्टिकल 370 लगा के इंटरनेशनल कानून की भी खिलाफवर्जी की है और अपने कानून को भी जो है वो पामाल किया है। इसलिए भारत ने जो करना था वो तो कर दिया। अब हमारा काम है कि वो एक गासिब फौज के तौर पर अभी फिलहाल कश्मीर में मौजूद है और आर्टिकल 2964 जो है वो बाकायदा यूनाइटेड नेशन का कहता है कि ऐसे लोगों की अगर आप हथियारों से मदद करें तो वो आईनी तौर पर जायज है यूनाइटेड नेशन के। तो अब तो वो एक गासिब फौज है क्योंकि अब तो कश्मीर जो है वो तो उन्होंने उस यूएन के जो प्लेबिसाइट वाला मुहैदा था उससे वो बाहर आ गए, शिमला एकॉर्ड से भी बाहर आ गए। इसलिए अब तो हमारा हक बनता है कि हम वहाँ कम अज कम और कुछ नहीं तो एस्केलेशन करें। मैंने इसके लिए जो सजेशन दूंगा कि हम थोड़ी सी एस्केलेशन करें। हिंदुस्तान की 9 लाख वहाँ फौज मौजूद है छोटी सी वादी के अंदर, जहाँ उसको वादी के अंदर से सपोर्ट नहीं है। ऐसे वक्त में अगर पाकिस्तान की एस्केलेशन हो तो हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल एक मुसीबत में फंस जाएगा और खुदा न खास्ता किसी भी एक एडवेंचर की शक्ल में वहाँ कम अज कम जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ शायद बमुश्किल 1 लाख फौज जिंदा बच के जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि एक मैसूर जगह के अंदर फौजों का क्या हाल हुआ करता है। दूसरी तरफ यह है कि जो वजीर आजम साहब जिस तरह से अमरीका गए और उनको पजीराई मिली वहाँ पाकिस्तानी आवाम की जानिब से और 30,000 से ज्यादा लोग जो है उनका जलसा अटेंड करने आए, तो उसमें से वजीर आजम साहब कॉल दें और वहाँ कम अज कम 3-4 हजार बंदा यूनाइटेड नेशन के सामने बिठा दें पुरअमन अंदाज में, जिसके अंदर हकूमती एहलकार भी शामिल हों, उसके अंदर तमाम पाकिस्तान के सफर जो दीगर ममालिक में मौजूद हैं वो वहां जाएं, उस धरने में बैठें और यूनाइटेड नेशन के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि आप अच्छा अब्दुल्ला भाई, साबका गवर्नमेंट में तो हमारे पास वजीर खारजा ही नहीं थे कि जो इन तमाम चीज़ों को पेश करते। आज की हुकूमत में जुल्फी बुखारी जैसे ऐसे पीएम जो हैं लंदन में मुजाहरे की क्यादत कर रहे हैं, जर्मनी में शहरयार अफरीदी कर रहे हैं, फवाद चौधरी पेरिस पहुंचे हुए हैं, शेख रशीद साहब पहुंचे, ये तमाम लोग फ्रंट लाइन पर अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं आवाज़ उठाने की, क्या ये इकदाम आपको बेहतर नहीं लगते?
जी मैंने आपसे पहले ही कहा कि अमल क्या है, मुझे अमलन बताएं ना, क्या आपको किसी ने साथ दिया? मसला ये है कि इस टाइम पे जुल्फी बुखारी साहब क्या हैं क्या नहीं, ये तो बरतानिया के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यह है कि वो दोहरी शहरियत के भी हामिल हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपके जो माजरी के अंदर आपने कहा कि वजीर खारजा नहीं थे, बिल्कुल दुरुस्त था, तो इस पर भी तकरीबन 9 महीने आपके वजीरे जो ये थे दाखला वो भी तो नहीं थे, वो भी तो इमरान खान साहब खुद थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर किसी को उसी बात के ऊपर किसी को शाबाश दी जाए और किसी को जो है बुरा भला कहा जाए। असल बात तो यह है कि सिफारतकारी क्या हुई, बात तो ये देखने वाली है। माजी के अंदर सिफारतकारी बिल्कुल कमजोर थी, मैं इससे तस्लीम करता हूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अपोजिशन का जो जॉइंट इजलास हुआ जिसमें खान साहब ने ये बात उनसे कही कि आप बताएं फिर मैं क्या उन पर हमला कर दूं, तो जवाब में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक तरफ हाथ काट दें या फिर वो कहते हैं कि मैंने कब कहा है कि हमला कर दें, तो उनकी तरफ से अगर ये एक जॉइंट बयान आता टुगेदर यूनैनिमस के जी आप जैसा चाहें करें हम आपके साथ हैं, तो क्या ये ज्यादा बेहतर एक मौका दुनिया में नजर आता हमारा? बेहतरीन, आपने बेहतरीन बात की। देखें मैंने भी ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये बात कही है और मैंने अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, मुझे बहुत खुशी होती कि अगर जब वजीर आजम साहब कश्मीर तशरीफ ले गए असेंबली के खिताब करने, तो उस टाइम पे जो है वो साथ शहबाज शरीफ साहब को भी रखते, बिलावल साहब को भी रखते, दीगर लोगों को भी साथ बिठाते और उस टाइम पे एक जिसको कहते हैं ना वन लाइनर मौकफ, हमारा यूनिटी का यूनाइटेड मौकफ जो था वो सामने जाता। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने अब्दुल्ला गुल साहब की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में हमसे बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन अब हुकूमत के पास चांस है कि वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इस गलतियों को सुधारें, इनको बेहतर करें, इस मसले को बेहतर से बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो कश्मीर के दुनिया में सफ़ीर है, तो हम लोग भी इंशाल्लाह मीडिया में सब लोग मिलकर दुनिया जहान में इसके सफ़ीर बने और इस मसले को आगे फैलाएं ताकि मज़लूम कश्मीरियों को इंसाफ मिल सके। वलीद एहसान जंजुआ प्रोड्यूसर और टीम सबी काज़मी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।